बैठकर खाना खाने से मिलते हैं गजब के फायदे। जान जाएंगे तो कभी भी नहीं खाएंगे डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना। नमस्कार, मैं बीएल सनोटिया और आप देख रहे हैं बीएल ज्ञान। दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक भोजन ही नहीं बल्कि उसका सही तरीके से सेवन करना भी जरूरी माना गया है। लोग अक्सर भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फर्श पर बैठकर खाना खाने से आपके शरीर को कितने गजब के फायदे मिलते हैं? आइए जानते हैं उन्हीं फायदों और उन्हीं लाभों के बारे में। मगर हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले लाभदायक और स्वास्थ्यदायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और बनाने वाले व्यक्ति को आप मोटिवेशन भी बना रहे। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्श पर बैठकर भोजन करना अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाए रखने का एक आयुर्वेदिक तरीका है। फर्श पर बैठकर भोजन करने के लिए व्यक्ति को सुखासन में बैठना चाहिए। फर्श पर बैठकर खाना खाते समय आप सिर्फ खाना ही नहीं खा रहे होते, बल्कि इस तरह खाना खाते समय आप एक आसन की मुद्रा में बैठे होते हैं। ये मुद्रा व्यक्ति का मन शांत रखने के साथ रीढ़ की हड्डी को भी आराम पहुँचाती है। फर्श पर बैठकर खाना खाते समय व्यक्ति पाचन की अवस्था में होता है, जिसकी वजह से पाचन रस शरीर में बेहतर तरीके से अपना काम कर पाता है। फर्श पर बैठकर खाना खाते समय व्यक्ति जमीन पर पैरों को क्रॉस करके बैठता है, जो आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को ये सिग्नल पहुंचाता है कि आपका शरीर भोजन के लिए तैयार है। इस आसन में बैठकर भोजन करने से वह जल्दी पच जाता है। फर्श पर बैठकर भोजन करने से पेट की मांसपेशियां गतिशील बनती है, जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। इस मुद्रा में बैठकर खाने से पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां और पेट के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, जिससे अस्वस्थता और दर्द की शिकायतों को आराम मिलता है। माना जाता है फर्श पर बैठकर खाना खाने से वजन भी संतुलित रहता है और इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को दिन भर तरोताज़ा महसूस करता है। फर्श पर बैठकर खाना खाने से बॉडी पोस्चर बेहतर होता है और व्यक्तित्व में भी निखार आता है। फर्श पर बैठकर खाना खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो दिल की सेहत के लिए भी जरूरी माना गया है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप खाना खाने बैठें तो ऊपर बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।